पाकिस्तान प्रीमियर लीग मैच जो कि होने वाला है लाहौर में। लाहौर भाई, जो लाहौर की टीम है लगातार अपने 3 मैच हार के आ रही है और कराची 2 में से 1 मैच जीत के आ रही है। लाहौर का एवरेज स्कोर है बैटिंग 170 से 60 के बीच में रहता है और यहाँ ठीक ठाक रन बनते भी हैं। तो फिलहाल विकेट कीपर में भाई 2 प्लेयर खेल रहे हैं, एस फरियान जो कि लेना ही लेना है और एम अखलाऊ जो भी है, और इन दोनों को लेना है। प्लस बैटिंग से पॉइंट देते हुए दिखेंगे, प्लस विकेट कीपिंग से दोनों ही ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। एस बेग जो कि शानदार था मगर 1 मैच खिला के इसको चांस नहीं दे रहे, तो बैटिंग ऑप्शन में चलते हैं। जो विंस बहुत ही तगड़ा प्लेयर है और रिकॉर्ड भी ठीक ठाक ही है, मगर रीसेंट के 2 मैचों में उतना खास नहीं है, मगर 1 मैच में चल गया है। रीसेंट रिकॉर्ड बहुत ही तगड़ा है, अभी भी 1 मैच में परफॉर्मेंस कर चुका है। फ़खर जमान भाई लास्ट मैच में जैसे कि हमने कप्तान बनाया था और शानदार बैटिंग करके गया और ठीक ठाक पॉइंट देके गया 63, जो 2 मैचों से फ्लॉप था, लेना ही लेना है। साइन मशहूद ये आज के मैच का ट्रंप पिक हो सकता है क्योंकि 2 मैचों में कोई खास पॉइंट दिया नहीं है। तो भाई बहुत ही तगड़ा बैट्समैन है, टेक्निक प्लेयर है, आराम से खेलता है, 30 से 40 पॉइंट हर मैच में देके चलता है। केरन पोलार्ड भाई रिसेंट फॉर्म बहुत ही तगड़ा है और 2 मैचों में भी ठीक ठाक पॉइंट देके गया, 2 मैचों में बैटिंग मिली है और अच्छा खासा स्कोर करके गया है। तो फिलहाल तो मैं अभी ले नहीं रहा, मगर इम्पोर्टेंट प्लेयर है, आप चाहो तो ले सकते हो। ऊपर का कराची का टॉप ऑर्डर उखड़ जाएगा तो ये मिडल ऑर्डर संभाल सकता है। अब्दुल्ला शफीक भाई बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, ओपनिंग करता है तब चौथे पे आ रहा है, मगर बैटिंग मिलेगी अच्छे से तो अच्छी इनिंग बिल्ड करता हुआ दिखेगा। फिलहाल मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ। रूसी वेंडिस भाई बहुत ही तगड़े फॉर्म में है, साउथ अफ्रीका लीग से आ रहा है और शानदार बैटिंग कर रहा है और लेना ही लेना है। डुप्ले खेल नहीं रहा, एम ताहिर बेर नहीं खेल रहा, के गुलाम नहीं खेल रहा, आई खान भाई आई खान से उतना खास कुछ करा नहीं रहे, इरफान खान है नाम पूरा, तो भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देंगे। भाई ऑलराउंडर ऑप्शन में आता है नवाज खान, भाई नवाज खान का भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी 3 ओवर डलवा रहे हैं कभी 1 ओवर डलवा रहे हैं, तो भाई इसका भी कुछ शाम समझ नहीं आ रहा। फिलहाल मैं अभी पिक कर रहा हूँ। कार्लोस ब्रैथवेट का रिकॉर्ड भी अभी रिसेंट फॉर्म में उतना खास नहीं है और रिकॉर्ड भी उतना खास अभी नहीं चल रहा। डेवी विजी 1 मैच खेला है जिसमें इसने बैटिंग से बहुत ही शानदार पॉइंट दिया था, 8 गेंदों पर 14 रन और 2 ओवर डालता हुआ दिखा था आपको। सिकंदर रजा हर मैच में लेना है भाई, ये ऑलराउंडर है, बॉलिंग प्लस बैटिंग से आपको पॉइंट देता हुआ दिखेगा, हर मैच में लेना ही लेना है। डैनियल सैम इसको भी लेना ही लेना है क्योंकि डेथ में डालेगा प्लस 2 ओवर और 2 ओवर पावर प्ले में, हर मैच में इसके 30 से 40 पॉइंट मान के चलो। सोहेब मलिक लास्ट मैच में हमने कप्तान बनाया था, अभी भी हम कप्तान बनाएंगे, क्यों? क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग से ये भी आपको पॉइंट देता हुआ चलेगा हर मैच में। तो भाई हमने 4 ऑलराउंडर शानदार पिक कर लिए। एस फयान जो कि शानदार स्पिनर है, लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग करके गया, 2 मैचों में 1-1 विकेट लेके गया। डी लॉरेंस खेलेगा तो ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अभी खेल नहीं रहा। फिलहाल साइन अफरीदी रिसेंट फॉर्म तगड़ा है, 2 मैचों में लगातार पॉइंट दे रहा है और लेना ही लेना है। और हसन अली इसका भी रिकॉर्ड शानदार है और लास्ट मैच में 3 विकेट ले गया, उससे पहले तो कोई विकेट नहीं था। हैरी श्रॉफ थोड़ा एवरेज परफॉर्मर है, 3 मैचों में 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी उतनी खास नहीं है। जमान खान ये भाई थोड़ा तगड़े फॉर्म में है, ये हर मैच में 1 विकेट तो मान के चलो 30 पॉइंट तो एवरेज है। तबरेज शमसी ये आपको आज के मैच का इंपॉर्टेंट प्लेयर लग सकता है क्योंकि दोनों मैच में ये फ्लॉप रहा है। अनवर अली इंपॉर्टेंट प्लेयर है, खेलेगा तो। एम हमजा लास्ट मैच में 3 विकेट लेके गया है तो शानदार फॉर्म में है, अच्छा प्लेयर है। मुजरबानी खेलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जी लिंडे भाई ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करता हुआ दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जे खान भी आपका इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई हर मैच में, क्योंकि पहले मैच में इसने पूरे डाले थे 4 ओवर और दूसरे मैच में इससे करवाई बैटिंग और डलवाए 2 ओवर और लास्ट मैच में इससे ओवर ही नहीं डलवाया, तो भाई इससे 1 ओवर डलवाया। ये दोनों आपको चीज़ करता हुआ दिखेगा, बैटिंग और बॉलिंग। फिलहाल एस उदय, एम मोइन खान, के अब्बास, जहून, एसा और फाय अली, फिलहाल तो इन सब का रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास। फिलहाल देखो साइन अफरीदी पिक कर सकते हैं, पिक कर लिया। आपको एक आधा बैट्समैन हटाना है तो उसके बाद तुम जमान खान को, तबरेज़ शमसी को ट्राई कर सकते हो या हसन अली को, बहुत सारे ऑप्शन हैं भाई। फिलहाल तो मैं अभी एक गेंदबाज ले रहा हूँ, बाकी टॉस होने के बाद आपको पता है लाइन आउट के बाद बहुत सारे प्लेयर मिस होने वाले हैं। तो फिलहाल अभी प्रेडिक्शन टीम की तरफ चलते हैं जिसमें हमारा कप्तान वाइस
भी हो सकते हैं, जैसे कि अपना कप्तान होगा शोएब मलिक, जैसे मैंने बता दिया है। तो आप वाइस वेंडूरे को बना सकते हो, सिकंदर रजा बना सकते हो, डैनियल सैम या नवाज खान। फिलहाल तो सिकंदर रजा मेरा वाइस रहेगा क्योंकि मेरा इम्पोर्टेंट प्लेयर है। प्रेडिक्शन टीम की तरफ चलते, एसफयान, एम अखिले, जे विंस, फ़कर जमान, एस मसूद, रूसी मैंडिस, नवाज खान और सिकंदर रजा अपना वाइस है, डैनियल सैम है, शोएब मलिक कप्तान है और शाहीन अफरीदी। फिलहाल भाई डेमो टीम तैयार है, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगी। लाइक और कमेंट के साथ तैयार रहना, मिलते हैं आपको मैच टाइम पर।